कपड़ों की गांठें चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद करने की मांग को लेकर पाली गुर्जर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य सहित पेड़ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पुलिस अधीक्षक राहुल कोटकी को ज्ञापन दिया और ये मांग की गई कि जल्द ही चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल वापस दिलवाएं। पेड़ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय महेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि मेरे यहाँ से करीब 30 लाख से भी ज्यादा की कीमत कपड़े की गांठें चोरों की चोरी कर ली गई हैं और उसकी सूचना संबंधित ट्रांसपोर्ट थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया गया। आपके यहाँ भी चोरी हुई? मेरे यहाँ पे लॉकडाउन के दरमियान चोरी हुई, करीबन 100 गांठ हुई है जिसकी मैंने एक छह को एफआईआर दी, बट अभी तक वो इतना आश्वासन दे दिया कि हमको 3 महीने निकाल दिए हैं, चोर आराम से घूम रहे हैं, मेरा व्यापार पूरा ठप हो गया है, करीबन 30-40 लाख रुपये मेरे व्यापारी ने रोक दिए हैं और मेरा माल भी आला जाना बंद हो गया। सिचुएशन में मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, चोर माल बेच के आराम से ऐस मौज कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं और उसको चोरों को नहीं पकड़ के मेरा काम ठप हो गया आर्थिक रूप से भी। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ट्रांसपोर्टर का जाना तो हमारे पे झूठा आश्वासन देते हैं कर देंगे 10 दिन कहते हैं आपका सुराग मिल गया था, सिर्फ आदमी नहीं मिला। इस चक्कर में 3 महीने से पर डे हमेशा पुलिस थाने के लिए चक्कर काट के दुखी हो गया हूँ। इस चक्कर में मेरा आर्थिक नुकसान होने को लेकर मेरे को कहीं ऐसा गलत डिसीजन ना लेना पड़े जो कि मेरे परिवार के लिए नुकसानदायक हो। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन